हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी चलते हैं मार्केट पापा के साथ, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। तो गाइस होगी दोपहर और घर पे भी आ गए, घर पे आते ही ऊपर से आ गया। अरे यार ट्विटर आज उल्टी करती, पहले अब इसकी सफाई करता हूँ फिर मिलता हूँ। तो गाइस कर दी मिल्की की उल्टी साफ। और कई लोग सोचते हैं बस डॉग्स पाल ले बस ठीक हो जाएगा काम, फिर तो मैं उसको ट्रेन कर दूंगा बाहर उल्टी कर, जो करना हो बाहर करेगा, वो टेंशन ही नहीं है। बट मैं एक बात बता दूं, कई लोग ये सोच के डॉग लेके आते हैं, बाद में होता क्या है वो ट्रेन नहीं हो पाते उनसे, या तो वो घर में उल्टी कर देते, पोटी कर देते, फिर उनको छोड़ देते गलियों में, फिर वो केयर नहीं है। तो डॉग्स पालना इतना आसान नहीं मेरे भाई, ये बात सबसे पहली है। कुछ दिन अगर आप 30 दिन का या 45 दिन का पपी भी लेके आते हो तो वो भी घर में पोटी करेगा 3-4 दिन, 3-4 दिन की हफ्ता भी हो सकता है, हफ्ते से भी ऊपर हो सकता है, ट्रेनिंग ट्रेन होने में उसको बहुत टाइम लग सकता है ऑब्वियसली। तो आप फिर आप इतने परेशान होकर बाहर छोड़ा होगा। तो डॉग्स पालो तो इस काम के तैयार है ना, क्योंकि जब डॉग्स पालोगे तब गाइस आपको सूले से सूला और गंदे से गंदा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब डॉग्स बीमार होगा, डॉग बीमार होगा तो कुछ भी मतलब हो सकता है, कभी आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। मैं खुद बहुत से डॉग का मतलब इतना सूला काम कर रखा, मैं बता भी सकता यूट्यूब पर कि मतलब क्या क्या काम कर रखे मैंने, इतना सूला काम होता है डॉग्स का। तो पेट पालो तो पहले उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन लेना उसके बारे में, फिर ही देखा है डॉग का, बजट देख लेना, मंथली अनुवंस देख लेना, सिर्फ ये नहीं होता काम भी करना पड़ता है डॉग का, समझ रहे हो। तो अब पिजन को खोलते गाइस, बहुत होगी ज्ञान छाटते हुए, बहुत देर होगी, पिजन को खोल देते अपने भूखे हैं और पानी बदल लेते पहले। तो गाइस खोल दे पिजन, चलो भाई चुपो। तो छोटे उस्ताद बाकी सारे खोल दिए, जा भाई एक और रह गई अपनी कबूतरी फीमेल, जा भाई गई स्पीड में बाहर। अब दाना रेडी करता हूँ, दाना देता हूँ, दाना वाना ये दाना इनका आज का, गेहूँ मंगवाया था देखो कब आएंगे ना, बाजरा लो भाई खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटे उस्ताद सबसे दाना मांगता रहे खाने देने भी। अच्छा अपने इस पैर को, इस कबूतर का पैर भी ठीक हो गया लगभग, मिलता हूँ आज थोड़ी देर में शाम। तो यार आज कुत्ते की ब्रीड भी साथ में और कबूतर की ब्रीड भी साथ में, दोनों साथ में आज चलते शेरू को लेके टीलों पे, और हाँ टीला बोलूँ मैं, जो देखा मेरे जिया दादा आज जाके फिर तो फोटो खिंचवाऊंगा बढ़िया बढ़िया। ये हमारा फोटोग्राफर कबूतर की ब्रीड, जरा फीडबैक दे रहा चल रही है, ये रहा अपना शेरू और एक कबूतर की ब्रीड पास रुक गई, कुत्ते की ब्रीड आ गई। अरे तू कहा नहीं बोला इसकी कौन है, वो कबूतर की ब्रीड है, आ जा। वो आ गया गाइस कबूतर की ब्रीड, उड़ता हुआ नहीं चलता हुआ, एंड एंड टाइम मेरे भैया आ जा। दोबारा बुला रहे, आ जा उड़ता उड़ा, बुला ना रहा तूने शेरू, तेरे लिए केक रेडी कर दिया टट्टी करके देख सुनते भी कर रहा है, चॉकलेट लगा रहा है तेरे टट्टी पे। ये रे अपने कुत्ते की ब्रीड, और ये जी अपनी कबूतर की ब्रीड। मेरा क्या भाई दिन में तो रोटी कोड़ी खांदी आपने खाली छूट जा, फिर तू संदे ही कुल ने शेर को खुला छोड़ दिया है, तू क्या कर रहा है मैं बता, और मुत्तर ना दे, मुत्तर ना दे मामा पकड़ के आंदा मैं, चलो मैं तो लूं गाइस अपना शेर डोन खुला घूम रहा है और उधर आप एक स्ट्रीट डॉग भी है, या तो शेरू के उसकी लड़ाई हो जाएगी, ऐसे शुरू करता नहीं गाइस एग्रेशन अपने छोटों पे, हाँ कोई बड़ा इसकी एज का होता है फिर इसको पहले घुराता तो ये अटैक करता है। फिर उसकी देखो एक नंबर का टॉप व्यू है, फोटो खींचने में सुबह आऊंगी सस्ते पिजन क्या करेगा भाई, खींचा है फोटो उसी रोज आंटी दर चला नहीं कर दो मेरा, अरे तेरा जी है क्या ओए गाइस बोलो ने ठाए यार आयु, अरे 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 बोलो आ बोलो ठाए ने फाड़ देगा। देखो गाइस शेरू का खाका घूम रहा है, अरे गेंद में गया यो पानी में, अरे ना तो समुंदर बना दावे जाऊंगा देख लिया और जल जा रे यार, अरे बैंगन लोग बैठ गया उड़े तेरा पानी
शेर अपना नीचे घूम रहा है, हम ऊपर खड़े छत पे, वो नीचे वाला कमरा हो सकता है। शेरू तो ऊपर मुझे नहीं लग रहा, मैं बैठते बड़ा छलांग मारूं। अरे अरे बीच में रह गया। कुत्ते की ब्रीड तो आज कूद ही सकती है कहीं भी, और पिजन की ब्रीड कहीं भी उड़ के जा सकती है। छू मेरे कुत्ते को, पानी में जा। तो गाइस शेरू समुद्र में गया, उसको बुलाता हूँ। शेरू ऊपर जा बेटे। भाई शेरू बात मान लेता है, अब इसको दोबारा उक्का मारूंगा तो ऊपर आ जाएगा। शेरू आ जा ले ऊपर, आ जा आ जा आ जा। अरे तो ये आ गया अपना शेरू ऊपर, कैमरा ब्लर हो गया। तो गाइस ये रहा अपना शेरू, मौत को चूसे। क्या 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 मौत को चूसे नहीं। तो गाइस इन दोनों को एक आंटी चिड़ हो रही है, उस आंटी ने एक बार जब डॉग को घुमा लिया तो कुछ बोल दिया था, उसके बाद ये दोनों चिड़ रही है बिल्कुल। शेरू तो पढ़वा दे आंटी ना, इन्होंने कौन बताया कि हमारे सर हो जाएंगे कंट्रोल यार पड्डी अपने से। तो गाइस शेरू ने लेन बड़ा चला गया वो, और इन्ना बोलने की तमीज़ को नहीं। थोड़े मेरे दोस्तों थोड़ा बुरा मत मानना आप लोग, अगर कुछ ऐसा वैसा बोल देगा व्लॉग में। बाकी गाइस सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे, सब ना बोलने की तमीज़ को नहीं, खासकर मन भी कोई थोड़ी होते। हाँ तो मेरे दोस्तों तमीज नहीं गाइस बोलने की, बट कोई बात नहीं, काम चलाओ आप लोग। ये आ गई कुत्ते की नई ब्रीड, और बगल में अपना शेरू। अरे यार दो दो कुत्ते एक साथ किस तरह चल रहे हैं, एक कुत्ते ने पकड़ चल रहा है, सिस्टम एक नंबर का। शेरू देखो गाइस लुक लाइक का डॉन। शेरू आप क्या देते ना भाई। हाँ तो आज आप चलते हो, अब तो घूम के आते, चलो चल शेरू वहाँ निकालवाएंगे। जा जल्टी में नस्ल वाले कबूतर पर है, हमें यहाँ पे पड़ा हुआ मिला। कौन से का नस्ल वाले कबूतर का है, कड़परा कदे अपने का हो यो। अपना कबूतर खड़ा हो गया उस्ताद का, कदे ब्रांड न्यू बना दिया बारबेक्यू। तो गाइस अभी शेरू वहाँ पे घूम रहा है, अब मैं इससे कहूँगा एक फोटो खींच, नहीं खींच सकता तो मारूंगा वो अपने कबूतर के, तो इसको पहले बांधता हूँ। उन्होंने मना कर दिया शेरू को ले जाने से, क्योंकि ऑब्वियसली खींच रहा है, बहुत दम लगाता है शेरू चलते वक्त, और कबू हमारे सस्ते कुत्ते को तो बहुत डर लग गया। ए नंबर की बात क्या दिया, और मैं सस्ते कुत्ते ने सस्ते कबूतर को, ना सस्ते कबूतर ने सस्ते कुत्ते को। इसका तेरे कुत्ते था भाई, मेरा कुत्ता था ब्रांडेड है, शेरू नाम है का कुत्ता का, तक नहीं याद देख याद नहीं उधर मुंह तला है टिका ले रही ने क्या ले, ब्लॉग में दिखाया था मैंने वो गंदे गंदे काम करता रहा बेड़ा, ते माटी में चालू हो जाए बढ़ जाके और भी गंदे गंदे काम करता है, समझ रहे हो गाइस, ये वो करता है दो नंबर। चलते अब घर पे, तो गाइस आए घर पे, और आज की व्लॉग क्या नहीं है बगैर ताऊ सीन का नेक्स्ट होगा, चलो चलिए बाय। तो गाइस एक पंगा हो गया, देखो क्या कर दिया कबूतरों ने आग का, इसको गलती से गाइस दूसरे दरबे में चली गई, और देखो इसका क्या कर दिया इसकी आग का, बिल्कुल मतलब खाल पाड़ दी गाइस आग के पास की, पूरे बाल उड़ा दिए। गाइस का ट्रीटमेंट करता हूँ और आज की व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। गाइस व्लॉग की एंडिंग करके बहुत देर हो गई, मैं तो चैनल देखने गया, मैं गाइस रात को सोने से पहले वापस देखने जाता हूँ, और ये देखो गाइस क्या मिला मेरे को आज, मतलब कबूतरी पूरी फोड़ दी हमारी गाइस, बहुत अच्छी कबूतरी थी ये भाई, छोटे उस्ताद की माँ है अपनी, देखो कैसे फोड़ रखी है, और जल्दी लगाता हूँ आराम आराम से इसकी आँख के ऊपर। गाइस आज को लग के एंडिंग बेब करता हूँ, गाइस स्प्रे करना इसके ठीक हो जाए, बहुत जल्दी दर्द होता होगा, सॉरी यार मेरी गलती है।